कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन बॉक्स पैटी। उसके लिए हमें पैन में ऑयल गरम करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। ऑयल गरम हो जाने के बाद हम इसमें 1 छोटा प्याज डालेंगे, 2 हरी मिर्ची बारीक कट करके, आप चाहें तो कम डालें अगर आप तीखा कम खाते हैं। प्याज और मिर्ची को बस 1 मिनट पकाएंगे चलाते हुए। 1 मिनट के बाद हम इसमें 1 गाजर डाल देंगे, बारीक सा चॉप किया हमने। गाजर को भी लो फ्लेम करके चलाते हुए बस 1 मिनट पकाएंगे। हम इसमें 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अच्छी तरह से अदरक लहसुन के साथ भून लेंगे तमाम चीज़ों को, चलाते रहेंगे इस तरह से। 1 मिनट तक अच्छी तरह से अदरक लहसुन को भून लिया हमने। हम इसमें 1 कप भरकर चिकन डाल देंगे जिसे हमने बॉईल करके श्रेड किया है। चिकन में बस हमने थोड़ा नमक और थोड़ी काली मिर्च डालकर बॉईल किया था और फिर इस तरह से श्रेड किया है। ये हम 1 कप भरकर यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा नमक भी डालेंगे, नमक कम डालेंगे क्योंकि चिकन में हमने नमक डाला था। थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च भी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1/4 टीस्पून के करीब डाला हमने। अच्छी तरह से चलाएँगे और पकाएँगे बस 1 मिनट। चिकन को अच्छी तरह से पकाया हमने, फ्लेम को लो करके हम इसमें 1 कप आलू डाल देंगे जिन्हें हमने बॉईल कर लिया है और फिर मैश कर लिया। ये तकरीबन 2 आलू होंगे मीडियम साइज़ के। थोड़ी हरी प्याज के पत्ते और थोड़ा हरा धनिया भी डालेंगे। 1 टीस्पून भरकर नींबू का रस, 1 चुटकी गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिलाएंगे भी और इस तरह से मैश भी करेंगे। फ्लेम को ये पॉइंट पे हमें लो रखना है, पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को बंद करेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो गया है, हम इसमें तकरीबन 1 कप मोज़रेला चीज़ मिला देंगे। आप जो भी चीज़ पसंद करते हैं वो यूज़ करें। फिर हम अच्छी तरह से मिक्स करके बॉक्स पैटी बनाना स्टार्ट करेंगे। हमने समोसा पट्टी ले ली है जो आपको मार्केट्स में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इस तरह से एक समोसा पट्टी को हम ये पोजीशन में रखेंगे, उस पर इस तरह से दूसरी पट्टी रखेंगे, एक क्रॉस का शेप बनाएंगे। जो मिक्सचर हम तैयार किए हैं उसे हमें सेंटर में रख देना है, इस तरह से प्रेस करना है। हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून मिक्सचर लगा दिया है इस पर। हम अब इसे फोल्ड करेंगे। सबसे पहले जो नीचे की समोसा पट्टी है उसे इस तरह से इस पर लेकर आएंगे। टाइट तरीके से हमें फोल्ड करना है, पुल करके। 2 टेबलस्पून मैदा लेकर हमने उसमें 1 टेबलस्पून पानी मिलाया और इस तरह से एक गाढ़ा पेस्ट बना लिया है जिसे हम बॉक्स पैटी को चिपकाने के लिए यूज़ करेंगे। ये मिक्सचर को हमें इस पर लगा लेना है। जैसे हमने पहली साइड को फोल्ड किया उस पर हम ये मिक्सचर लगाएंगे। हमने यहाँ से फोल्ड किया, अब हम यहाँ से इसे फोल्ड करेंगे। फिर थोड़ा मिक्सचर लगाएंगे, फिर इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। एक हमने नीचे से फोल्ड किया, फिर ऊपर से, फिर नीचे से दोबारा, और फिर लास्ट में ऊपर से इसको भी फोल्ड कर लेंगे। अच्छी तरह से पुल करेंगे ताकि ये पूरी तरह पैक हो जाए और साइड से बिल्कुल भी मिक्सचर बाहर ना निकले। हमारी बॉक्स पैटी बिल्कुल तैयार है। इतने मिक्सचर में आराम से हम 8 से 10 बॉक्स पैटी बना करके तैयार कर सकते हैं।
आप इन्हें इसी तरह फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं 3 हफ्तों तक। इन्हें रखने के लिए एक एयरटाइट कंटेनर में एक के ऊपर एक ना रखें, साइड बाय साइड रखें, और अगर एक के ऊपर एक रखना है तो ऊपर पार्चमेंट पेपर या प्लास्टिक कुछ भी लगाएं और फिर सेकेंड लेयर करें। इससे आपस में बॉक्स पैटी चिपकेंगे नहीं। इन्हें फ्राई करने के लिए हम ऑयल को गर्म करने रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इन पर।